आज के हमारे टॉपिक का नाम है मीडियन फूड ग्रुप डेटा। यहाँ पर हमारे पास एक मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस डमीज डेटा, तो मैंने यहाँ पर भी एक अपनी तरफ से डेटा लिया और उसमें मैंने यहाँ पर ये बताना चाहा है कि अगर हमारे पास ग्रुप डेटा जिसका मीडियन निकालने के लिए कहा जाए तो पहले नंबर पर हम किसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मीडियन निकालने का फार्मूला होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, जो मैंने यहाँ पर साइड पे लिखा है। असल में इसमें हमें ये फार्मूला याद रखने के बाद कुछ टेक्निक याद रखनी है कि हमने पहले सबसे करना क्या है। याद रखें, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपने ये चीज़ एन ओवर टू, हाँ एक और बात, हमारे पास जो ग्रुप डेटा होता है उसमें एन बराबर होता है समेशन एफ के, यानी कि एफ की लाइन का समेशन इसका प्लस, वो तो है हम बाद में करते हैं। इसी तरह सी का मतलब होता है सी एफ की वैल्यू। इसी तरह से हमारे पास हाइट, जिस तरह के हमने अरिथमेटिक मीन वाली वीडियो में देखा था कि हाइट हमारे पास क्या होगी, जैसे कि हमारे पास एक क्लास है लोअर क्लास, दो लोअर क्लासेस का डिफरेंस जो है उसे एच कहा जाता है और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और एल का मतलब होगा लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है यहाँ पर एन ओवर टू। सबसे पहले आपने ये निकालना है, तो एन ओवर टू यानी कि जब हम इस एफ की लाइन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 32। जब हम 32 को डिवाइड करेंगे, ये रफ वर्क है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। अब ये जो फिगर आता है ना 16, तो हम इस 16 को देखेंगे कि ये हमारे पास सी एफ की लाइन में। अब हमें यहाँ पर दो चीजें और भी बनानी है, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास एक होगा सी बी यानी क्लास बाउंड्री और एक होगा सी एफ यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सी बी तो हम बाद में बनाएंगे, पहले मैं आपको सी एफ के बारे में बता दूँ। सी एफ में ये होता है, इसका सी एफ का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी वाली लाइन के साथ होता है। इसमें हमारे पास ये 7 है फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है, और जो हमारी सेकेंड वैल्यू होती है यानी 7 प्लस 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15। इस तरह 15 प्लस 9 करेंगे तो 24, और 24 प्लस 3 करेंगे तो 27, और 27 प्लस 5 करेंगे तो 32। तो यहाँ पर हमने सी एफ को देखा, सी एफ इस तरह से निकाला जाता है कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है, सेकंड उसमें प्लस होती जाती है, बार बार हम इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पर देखें 16 आया था, एन ओवर टू जब हमने किया था तो 16 आया था। इस 16 को आपने, इस नंबर को 16 को आपने सी एफ की लाइन में देखना है कि ये किसके अंदर एडजस्ट होता है। देखिए 7 है ना, ये एक नंबर है, इसमें 7 वैल्यूज हैं 1 to 7, तो इसके अंदर 16 नहीं होती। तो इस तरह से 15 के अंदर 1 से लेकर 15 तक वैल्यूज होंगी, यानी कि इसके अंदर भी नहीं आता। हाँ 24 इसके अंदर समझ में आती है कुछ, क्योंकि इसके अंदर 24 वैल्यू है। अब यहाँ पर 24 वैल्यूज में से एक 16 भी होगा। अब बात यहाँ पर ये एक सी बी लाइन कम्युनिटी क्लास बाउंड्री, इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है 1 को हम डिवाइड करेंगे, इसका हाफ लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.5। उस 0.5 को आपने इधर माइनस, इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, यानी कि इस साइड पे माइनस, इस तरफ प्लस, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.5 करूँगा तो वो आ जाएगा 0.5, और 5 प्लस 0.5 करूँगा तो वो आ जाएगा 5.5। 6 माइनस वो जो एक फिगर आता है ना 1 का, इसका हाफ, उसको इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस, सेम अमाउंट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5। अभी मैं आपको बताता हूँ ये हम निकालते क्यों, तो यहाँ आ जाएगा ये, इसी तरह यहाँ आ जाएगा 15.5, यहाँ आ जाएगा 15.5, यहाँ आ जाएगा 20.5, और यहाँ आ जाएगा 25.5। देखिए असल में ना यहाँ पर ये 5 और 6 सेम अमाउंट नहीं होती, इसी तरह ये हम लोगों ने इसको सेम बनाना होता है। ये देखें अब यहाँ पर ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई, यानी इधर की अपर और इधर की लोअर को हमें सेम बनाना होता है, इसलिए ये सब प्रोसेस हमें करना पड़ता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। एन ओवर टू किया था तो हमारे पास आया था 16। अब सी, सी का मतलब है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिस लाइन में हमारी वैल्यू आ रही है ना, जैसे ये वाली लाइन, इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है ना 15, जिस डिब्बे के ऊपर हमारा ये निशान हम लगाएंगे, उस सी एफ की लाइन की ऊपर वाली वैल्यू यानी कि यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एच। एच का मतलब तो हम पहले ही पढ़ चुके कि यहाँ पर हम इसको दो लोअर क्लासेस का डिफरेंस होता है और वो यहाँ पर आ रहा है 5, और एफ का मतलब जो, अब समझ लो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ यही लाइन है। अब यहाँ पर ये 9 है, इसको यहाँ लिख दिया। एल का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये अपर क्लास बाउंड्री होती है। अब लोअर क्लास बाउंड्री जिस लाइन के ऊपर हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर 10.5 है, हम यहाँ पर 10.5 लिख देंगे, 16 माइनस 1 ये तो आ गया,
16 माइनस 15 करेंगे तो ये तो आ गया हमारे पास 1। अब इसके बाद हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पर जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 9 पर तो हमारे पास आ जाएगा 0.5556 प्लस 10.5। तो यहाँ पर जब हम 10.5 प्लस ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.0056। तो ये हमारे पास आ गया मीडियन। तो आपको आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कहीं पर भी ये हमें असल में मेथड याद रखना, मैं इसलिए डमी लेता हूँ कि क्वेश्चन कोई भी हो मेथड यही यूज होगा, लेकिन उसमें हर बार कोई चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी